तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं प्रदीप और आपका प्रदीप कुशवाहा चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्री में कैसे बनती है और कैसे फिर उसको निकाला जाता है, फिर सेल किया जाता है और कितनी लागत लगभग आ जाती है एक नॉर्मल फैक्ट्री स्टार्ट करने में आइसक्रीम की। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं आइसक्रीम की फैक्ट्री में, पूरा आपको फैक्ट्री का दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होता है। और जस्ट हमारे पीछे ही इसमें फैक्ट्री है अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है वो मशीन जो मोटर से चलती है, इसमें मटेरियल भरा जाता है आइसक्रीम का सब मिला के और उसके बाद उसमें से निकलता है। और ये है मतलब उसमें पाइप जो लगी है, ये पूरा देखिए पूरा बर्फ़ जम चुका है इस पर। ये है तांबे का, मतलब सॉरी पीतल का है, मगर इस पर देखिए बर्फ़ जम के पूरा वाइट वाइट हो गया है, लेकिन है ये पीतल का। और यही जो मशीन है मतलब क्योंकि कंप्रेसर के द्वारा इसमें ठंडा होता है, पानी को ठंडा किया जाता है, उसी में वो सब कुछ मतलब एक तरह से फ्रीजर बना जाता है। और इसमें से देखिए पाइप बाहर गई है, उसका मैं दिखाऊँगा पाइप बाहर क्यों गई अभी दिखाऊँगा। और ये नीचे ये देखिए सिलेंडर लगा हुआ है नीचे, ये कंप्रेसर चलता है, ये 3 हॉर्स पावर के मोटर्स सॉरी 5 हॉर्स पावर को मोटर्स चलता है, तब फिर जाके ये इसमें देखिए ये ऊपर भी ये मोटर चल रहा है। क्यों को भी दिखाता है, इसमें जो ये पानी भरा हुआ है इसमें ये नमक मिलाया गया है। और वो ऊपर वाला मोटर क्यों चल रहा है, ताकि पानी जो है इसमें बर्फ़ ना जमे। देखिए पूरा जम इधर बर्फ़ जम चुका पाइप पर, और वो मोटर इसलिए वो पानी को घुमाता रहता ताकि इसमें बर्फ़ नहीं जमता है। ये जो देखो अंदर से जो पार मतलब बाहर पाइप आई थी, ये क्या कहता है, ये जो सब पाइप घूम घूम के इसमें गई है ना, ये सभी पाइपों को मतलब कि इसमें बर्फ़ नहीं जमने देता है, नहीं तो पाइपें फट सकती है। बस इस पानी का काम यही है कि ये पाइप को मतलब कि ठंडा गर्म रखता है, इसमें भरने नहीं देता है। अब यहाँ पे ये मिस्त्री क्या करते हैं, देखिए पहले मशीन में ये डालते हैं मटेरियल को, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका इसमें जो भी फ्लेवर चाहिए वो मिलाते हैं, वो मैं दिखाऊँगा अभी आपको। देखिए 2 जग इसमें डाल दिए, वो मशीन चालू रहती है, ठीक है, इसमें डाल देंगे वो मशीन चालू रहेगी, क्या करती है मटेरियल को फेंटने लगती है, मिलाने लगती है। उसके बाद देखिए ये इसमें थोड़ा सा ये फ्लेवर मिला रहे हैं कि कौन से फ्लेवर का आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, चालू करेंगे मशीन को ऊपर से, ये वहाँ से मोटर चालू है और वहाँ से वो फिर उसको उसमें चालू करके आगे दिखाएंगे काम, ठीक है। ये देखिए पूरा मटेरियल दिख रहा है इसमें भरा हुआ है। अब क्या करेंगे कि वहाँ से बंद करने के बाद ये देखिए ये है कोन वाला, ये 25 का कोन है, समझिए शायद ये 15 वाला है, 25 का नहीं है शायद ये 15 वाला है। ये पूरा भर रहे हैं, देखिए उसमें कोन पहले से होता है और बस ये मटेरियल जो उसमें डाले थे वही बस इसमें भरा जाता है, फिर ऊपर से वो एक लगा के फिर भर दिया जाता है। ये देखिए फिर उसके बाद ये फ्रीजर में रख दिया जाता है, देखिए कितना इतना ठंडा हो चुका है कि पूरा वाइट वाइट दिख रहा है इसमें, मतलब भाप निकल रहा है, भाप टाइप हो गया है। ये देखिए ये कौन 25 वाला है, उसमें मटका भी रखा हुआ है, ये ऑरेंज वाला 5 का, ये 25 का। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये बर्फ़ उसमें से निकाला जाता है सिल्ली को, उसको तोड़ तोड़ के देखिए पूरा फोड़ दिया गया, ये एक बड़ी सी सिल्ली है उसको फोड़ दिया जाता है। देखिए अभी यहाँ पर तोड़ा जाएगा, तो पूरा महीन तोड़ करके ठीक है। देखिए उसके बाद ये जो बर्फ़ है इसको महीन क्या किया जाता है, जो भी मतलब ठेला ले जाने वाला होता है, ठीक है, उसमें भर दिया जाता है। अब भर भर के उसके बाद मतलब कि इसमें जो टेम्परेचर है वो मतलब कि जो ये तो देखिए ये क्या बोलते हैं टीन का एक डब्बा हुआ है, ये पूरा बाहर से प्लास्टिक का पूरा मोटा चादर का है और अंदर ये टीन का है, उसी में सब माल भरा जाएगा और बाहर रख दिया जाता है, ये बर्फ़ भर दिया जाता है कि ठंडा रहेगा, अंदर माहौल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद किया जाता है कि यहाँ से जो अंदर वाला फ्रिज है उसमें से निकाल के सब ले जाके फिर उसमें भरा जाएगा, सबको गिन के दिया जाता है, जो लेबर होते हैं उन लोग गिन के दे दिया जाता है कि ताकि आप ये वो दिए वो जितना इतना ले लीजिए, आपको जितना बेचना है। उसके बाद वो 30% वो लोग बेचते हैं, देखिए इसमें फिर रख देंगे, रख के फिर ले जाते हैं बेचने के लिए हर एक प्रकार का माल, चाहे वो 5 वाला हो, 10 वाला हो, 15 वाला हो, 20 वाला, 25 वाला, जो भी मतलब जितना जिसका जितना जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस के हिसाब से अपना रख के अपना फिर ये लोग ले जाते हैं मार्केट में घूम घूम के सेल करने के लिए, ठीक है। ये देखिए ये जो कटोरी वाली होती है 5 की 10 की इसमें भी है, उसके बाद ये लोग अपना लेके चले जाते हैं सेल करने। तो यही है हमारे अंकल जी जिनकी ये फैक्ट्री है श्रीमते मिल्क मेड आइसक्रीम के नाम से। और अगर आप लोग को मतलब कि
चाहिए अगर आइसक्रीम, अगर आप लोगों को मतलब सेल करना है, अगर आप लोग गाजीपुर से हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको शादी विवाह किसी मतलब कि अवसर पर संपर्क मतलब कि चाहिए अगर आइसक्रीम तो संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा सब कुछ डिटेल्स दे दूंगा। और ये इनके मिस्त्री साहब जो आइसक्रीम बनाते हैं, और इसकी लगभग अंकल जी लागत कितनी, लगभग लगभग बता दीजिए कितना लगभग, अगर मान कोई शुरू करना चाहता है तो। हाँ, अगर कोई शुरू करना चाहता है तो यही मान के चलिए 6-7 लाख रुपये में लगभग, उसमें क्योंकि उसमें लगभग 35-36 हज़ार का बिजली का कनेक्शन लगभग हो जाएगा, 5-6 ठेले के, कम से कम 5 ठेले तो चाहिए शुरुआती दौर में लगभग। फिर उसमें आपको मैं बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं अंकल जी, तो फिर जाके ऐसा ये शुरू हुआ है इनका काम धाम। और अभी जस्ट शिवरात्रि के दिन स्टार्ट हुआ, आज क्या तारीख है, आज भूल गए तारीख, आज पाँच तारीख है, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आज 5 तारीख। और तब से मैं वीडियो मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज बना रहा था, और आज ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखा दिया। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो करके, बाय बाय।